वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ चिकन कोल्हापुरी मसाला। कोल्हापुरी चिकन बोलते हैं या चिकन कोल्हापुरी? देखो दोनों भी तरीके से बोलो मतलब तो वही होता है। तो अभी तुम ये कब खाए थे चिकन कोल्हापुरी? ये तो मैं बहुत बार खाई हूँ, लेकिन मैं ना अजमेर में ज्यादा खाई हूँ। मतलब ये जो कोल्हापुरी चिकन और एक चिकन लबाबदार, ये दोनों चीज हम जब भी खाते हैं ना तो वो अजमेर की याद आती है। क्योंकि हम लोग ये दो डिशे ना ज्यादा खाए, मतलब डेली खाए, जितने दिन हम लोग आते हैं ना ये दो डिश बहुत खाए। और वैसे मैंने यहाँ पे भी बहुत से ढाबों में खाया, बहुत से होटलों में खाया हूँ। ये डिश थोड़ी स्पाइसी होती है, क्योंकि देखो लबाबदार थोड़ा फीका होता है और कोल्हापुरी थोड़ा तीखा होता है। तो इसके लिए मैं ये दोनों सालन का देती थी, क्योंकि मुझे तीखा खाना था और इसको फीका खाना था। वही मैं आज अम्मी से बोला मैं तुम क्या बनाने वाले, तो मैं बोले चिकन कोल्हापुरी, फट से अजमेर की याद आई। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि अम्मी चिकन कोल्हापुरी बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। चलो तो सबसे पहले लेंगे हम चिकन, प्याज, टमाटे, देगी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, अक्खा धनिया, खसखस, तिल, दही, सूखा खोपरा, कोतमीर। यहाँ लेंगे हम हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। और यहाँ लेंगे हम खड़े गरम मसाले, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, एक चक्रफूल, दो दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े। यहाँ लेंगे हम जावित्री, हरी इलायची, लौंग, काली मिरी, दगड़ फूल और शाजीरा। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मसाला रेडी कर लेंगे, ठीक है? जिसके लिए यहाँ मैंने फ्राई पैन रख दी हूँ, इसके अंदर हम ये सारे मसाले भून लेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ मैंने पहले 25 ग्राम ये सूखा खोपरा ली हूँ, इसको सबसे पहले डालेंगे क्योंकि ये टाइम लेता है थोड़ा सा भूनने में, यानी कि ड्राई कोकोनट। हाँ, ड्राई कोकोनट 25 ग्राम, ठीक है? इसको थोड़ा सा लाल होने देते। तो यहाँ पे मेरा सूखा खोपरा थोड़ा थोड़ा सा लाल होना शुरू कर दिया है, ठीक है? अब हम इसके साथ डालेंगे इसमें अक्खा धनिया। अब ये और भुनेगा सूखा खोपरा, इसलिए मैंने डाल दी हूँ। इसके साथ मैंने यहाँ पे ये देगी मिर्च भी डाल दी हूँ, ये भी थोड़ी सी भुन जाएगी इसके साथ साथ, है ना? बिना तेल के ही भून रही हूँ मैं सब सूखा, ताकि अच्छे से कुरकुरे हो जाए तो ये मसाला पीसने में आसानी हो, बारीक मसाला पीसे जाएगा और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी मसाले की। और आज तेल भी नहीं है ना अपने पास? क्या नहीं आते? आज तेल भी नहीं हम लोग के पास, बिना तेल के बना रहे हम लोग। तो यहाँ पे धनिया खोपरा अच्छे से भून चुका है, खुशबू आना चालू हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें एक चम्मच जो हमने तिल लिए है और एक चम्मच हमने खसखस लिए है, ठीक है? इसको डालते साथ ये चर चर करेगा, इसलिए मैंने इसको लास्ट में डाली हूँ, ठीक है ना? ये एक दो सेकंड में मस्त भून जाता है, गरम बर्तन में ही भून जाता है, इसलिए इसको लास्ट में डालने का। यहाँ खुशबू भी बहुत मस्त आने लगी है और खोपरा भी मेरा लाल हो गया है, हमको अभी ज़्यादा जलाना नहीं है, ठीक है? इसको हम निकालेंगे ये बर्तन में। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले निकाल ली हूँ ठंडा होने के लिए, अब हम ये भी भून लेंगे गरम मसाले। तो यहाँ पे मैंने ये जो ली हूँ दगड़ फूल, अब जिसको दगड़ फूल नहीं मालूम है आप जाके दुकान में बोलेंगे काले फूल, दगड़ फूल, इस तरीके से तो आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है? हम इसको डाल देंगे आराम से, इससे भी ना सालन में एक अलग सा फ्लेवर आता है, अलग सी खुशबू आती है। आप पका के देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कितनी अच्छी खुशबू आती है। अब मैं डालूंगी इसमें हरी इलायची, जावित्री, दालचीनी, फूल, बड़ी इलायची, लौंग और 10 से 15 काली मिरी। और ये मैं डाल रही हूँ यहाँ शाजीरा, अगर आप लोगों के पास शाजीरा ना हो तो आप एक चम्मच सफ़ेद ज़ीरा भी डाल सकते हैं, ठीक है? यहाँ हम तेज़पत्ते ये दो निकाल लेंगे, हमको ये बघार में लगेंगे। खुशबू आना चालू हो गई है इसकी भी, तो हम इसको ज़्यादा नहीं भुनेंगे, मसालों को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये भी निकाल लूँगी, ये भी हम इसी में मिला लेंगे। इसको एक दो मिनट के लिए ज़रा ठंडा कर लूँगी मैं, और इसको अच्छे से बारीक पानी डाल के मैं इसको पीस लूँगी।
तो यहाँ पर मैंने मसाला अच्छे से बारीक पीस ली हूँ, ठीक है, हम इसको रख देंगे। यहाँ पर मैंने इलायची छील कर पीसी हूँ, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दिए है, तो यहाँ पर तेल अच्छे से गर्म हो गया है। हम इसमें डालेंगे 2 तेजपत्ता, 2 लाल मिर्ची, इसी के साथ डाल देंगे हम, इसके साथ हम डालेंगे प्याज। यहाँ प्याज को हमको कच्चा नहीं रखना है, कच्चा पक्का भी नहीं पकाना है, यहाँ पे हमको अच्छा इसको लाल करना है, जैसा हम बिरयानी में लाल प्याज करते ना, उस तरीके से ये प्याज को लाल करना है, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा लाल कर लेती हूँ प्याज को। तो यहाँ पर प्याज अच्छी लाल हो गई है, और प्याज लाल होने की भी खुशबू कितनी अच्छी आती है ना, किस किस को पसंद है ये खुशबू मुझे बताना। अब हम डालेंगे इसमें अदरक लहसुन, मैंने ली हूँ 1.5 चम्मच भर के। इसको भी 1 मिनट के लिए ज़रा भून लूँ मैं प्याज के अंदर अदरक लहसुन को। तो यहाँ पर अदरक लहसुन अच्छे से खुशबू आना चालू हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें टमाटे, ये 2 टमाटे ली हूँ मैं मीडियम साइज़ के, ज़्यादा बड़े भी नहीं है, ज़्यादा छोटे भी नहीं है। इसको भी मैं थोड़ा सा गलने दूंगी। तो टमाटे अच्छे से गल गए हैं अभी हमारे। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे, हम सब मसाले सूखे मसाले थोड़े थोड़े डालेंगे, ठीक है। ये 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर, क्योंकि हमने अक्खा धनिया पीसे हुए मसाले में, ठीक है। और ये 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं तीखी वाली मिर्ची, क्योंकि हमने देगी मिर्ची 4 उसमें ऑलरेडी पीस चुके हैं, ठीक है। होता है कभी कभी वो अटक जाती गाड़ी, फास्ट ट्रेन पकड़ा आज। और ये मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी की बुक्की 1/2 चम्मच, और जीरे की बुक्की भी डालूंगी मैं 1/2 चम्मच, ठीक है। ये हम इसको अच्छे से जरा मिला लेते, होता है बेटा अच्छे अच्छे से होता है, मेरे से क्या सबसे होता है, होता है क्या नहीं सबसे होता है ना, बोलते बोलते कभी कभी जबान एकदम लड़खड़ा जाती है। तो हमने सूखे मसाले थोड़े कम ही ऐड करे इसमें, ठीक है। अब डालेंगे हम इसमें हमारे चिकन। ओहो मजा आ गया, चिकन को देख के मेरे बेटे को मजा आ गया। मैंने 3 टांग का पीस ली हूँ, बाकी सब बोनलेस ले ली हूँ। आपको जैसा लेना है आपकी मर्जी, ठीक है। नहीं ऐसा ही लेना है हमको तो। अब इसको अच्छे से हम ये मसाले में थोड़ा पका लेंगे। मेरे बेटे को तो बहुत पसंद है, अम्मी तुम रोज भी चिकन बना के देंगे ना तो मैं शौक से खाऊंगा। रोज नहीं, 1 दिन में 2 बार बस। सुन लिया आप लोगों ने, 1 दिन में 2 बार। तो खाना कितने बार खाते हैं आप, 2 ही तो बार खाते हैं। तो ये अब हमने मसाले में डाल दी है, अब ये मसाले में भूनेगा भी और इसका पानी भी छोड़ेगा। अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक मैं मेरे हिसाब से यहाँ ऐड कर रही हूँ, आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर लेना, ठीक है। अब इसको पकने देते हैं 2 से 4 मिनट के लिए। तो चलो 3 से 4 मिनट हो गए, माशाल्लाह मैंने चिकन डाल के थोड़ा पकने रखी थी। है ना, अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं ये जो हमारा मसाला है ना, जो हमने पीस के रखे थे, ये ले लेते हैं, इसमें ये ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो मसाला बचा था ना मिक्सर में, उसमें भी हमने पानी डाल लिए है और उसको भी अच्छे से निकाल लिए वाटी में। अम्मी हाँ वही मिक्सर की वाटी में बाबा बस। अब हम इसको भी भून लेंगे, अभी और खुशबू आना चालू हो जाएगी, जो गरम मसाले हमने भून के पीसे हैं, जो मसाले हमने भून के पीसे हैं ना, उसकी खुशबू अलग आना चालू हो जाएगी माशाल्लाह, क्योंकि मिक्सर का डब्बा खुलते साथ ही खुशबू इतनी अच्छी आई ना, और वो जो दगड़ फूले ना उसकी खुशबू पूरे गरम मसाले से हट के आती है। आप ज़रूर एक बार बना के देखना, मटन चिकन में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बस वो दिखने में ऐसा लगता है लेकिन खाने में ख़राब नहीं है। डेली डेली तो नहीं खा सकते लेकिन कभी कभार के लिए अच्छा है।
तो यहाँ पर मसाला अच्छे से 6-7 मिनट तक मैंने भून ली हूँ और तेल भी ऊपर आ गया है माशाल्लाह। अब हम इसमें ऐड करेंगे जो दही रखे हैं ना हमने साइड में, वो डालेंगे। इसको 7-8 मिनट अच्छे से मसाले को भून लेना डालने के बाद, अब हम इसमें डालेंगे दही। खट्टी तो नहीं होगी? नहीं रे, खट्टी कहाँ से होएंगी, अरे ऐसा लोग पूछते बाबा। नहीं बाबा, बिल्कुल खट्टी नहीं होएंगी, तीखी हो सकती है थोड़ी बहुत। आज के मसाले थोड़े से ज्यादा है, क्योंकि देखो कोल्हापुरी चिकन थोड़ा सा चटपटा नहीं रहेगा ना तो भी मजा नहीं आएगा, है ना। इसके लिए अब मैं इसको 2 मिनट के लिए भूनूंगी, और दही डाली हूँ ना तो इसको भी जरा 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो यहाँ पर दही डाल के मैंने इसको 2 मिनट और पका ली हूँ, ठीक है। खुशबू मस्त आ रही है, अभी आप लोगों को खुशबू तो नहीं आ रही होंगी लेकिन मुझे आ रही है। अरे नहीं, पहुँचने वाले तक पहुँच जाती है खुशबू। हाँ, अभी से मैंने कोथमीर भी ऐड करी हूँ, लेकिन अभी हमारे बड़े बड़े पीस है ज़रा, इसलिए हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और एक 5-7 मिनट के लिए, कम से कम 10 मिनट के लिए, और इसको अभी मैं ढक के पकने दूंगी ताकि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए, है ना। सब टांग वांग का पीस है तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, अच्छे से गलाना चाहती हूँ इसको मैं। तो 10 मिनट तक और पका ली मैंने इसको ढक के धीमी आंच पे, पानी डाली थी ना थोड़ा इसके लिए। इंशाल्लाह, देख रहे आप लोग खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना, और मेरा चिकन भी हिलाते हिलाते टूटने लगा है, तो इसका मतलब चिकन भी मेरा अच्छे से गल चुका है। तो मैं अब गैस बंद कर दूंगी। चिकन कोल्हापुरी तैयार। किससे खाएगा रियाज? मैं मुंह से। तो दोस्तों, तैयार हो गया है अपना कोल्हापुरी चिकन, है ना, चिकन कोल्हापुरी। हाँ, मैं कुछ भी बोला, मैं एक ही बात है। कैसा बोला? पूछते खाएगा कैसा? तुम खाली पूछते, नान से खाएगा, ये खाएगा, देते तो चपाती ज है, काहे से खाएगा यार, दाल से, पराठे से, ये कुछ तो खाता नहीं है। उसको पूछेंगे ना, एक ही बात बोलेगा, वो गार्लिक नान मंगा रहे, घड़ी घड़ी बस गार्लिक नान ही मंगाते हैं। घर पे आए तक के ना एकदम रबड़ बन जाता है वो, होटल और ढाबे में खाने में मजा आता है। अब आते हैं अपने डिश पे, कोल्हापुरी चिकन बोलो या चिकन कोल्हापुरी, है ना, दोनों भी बोलो, सेम एक नंबर लुक तो सेम टू सेम, वैसे ही लाल लाल आ रहा है। ये सालन ना, जब तक मैं भी तैयारी करता हूँ। देगी मिर्च पीसने से थोड़ा इसमें कलर भी स्पाइसी लगता है, लाल लाल, लेकिन इतना है कि आप खा लेंगे, इतना स्पाइसी भी नहीं है कि आप करेंगे, नहीं, मैं मेरे घर के हिसाब में भी। और अम्मी ने आज फिर एक जादू बताया है, बचा हुआ कांदा और साथ में है नींबू। अभी ये सब सालन के साथ में सही में नींबू कांदा मजा आ जाता है। अभी मेरी नसीब 2-3 दिन से डिश में ना कांदा थोड़ा एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो अम्मी साइड में निकाल दे रहे और वो मेरे काम आ जा रहा है। देखो, बचा हुआ कांदा कैसा बोल सकता, घर का ही कांदा है ना, बाहर से लाके दी गया। ये रेसिपी में लेके आए थे, ये देखो कटिंग थी, ऐसा नहीं कट होती है कांदा, गोल कांदा, ये ना लाल प्याज वाला कांदा है, मेरा पूरा बोल बोल खोलता है कि बचा हुआ कांदा की लाल प्याज वाला कांदा ही है, तो अब हम इसको लाल करते हैं, लेकिन ये बच गया लाल होने से। लाल प्याज वाला बोल रहा है, ठंडी के महीने में सब लाल प्याज ही मिल रहे ना, वैसा नहीं, तुम लाल करते ना। अच्छा, हाँ, तो इसके अंदर ऑलरेडी इतने मसाले हमने ऐड कर दिए, तो चलो अभी खाते हैं। कुछ तीन, तो इसलिए मैंने प्याज को थोड़ा सा कम कर। चिकन क्या बात है भाई, मस्का है, मजा आ जाता है इसको। देखो, मैं फिर आपको कहूंगा, ये बहुत ही मसालेदार रेसिपी है, तो आप लोग भी दाल चावल के साथ लेके थोड़ा थोड़ा खाइए। ये ना, ये जब निवाला बनाता ना ऐसा मसाला लेके प्लेट में, कोई कैमरामैन चाहिए खड़े रहके ऐसा निकालने, जब वो निवाला बनाता है। कैसा है, तीखा है? मैं क्यों बोलू? ये नहीं तीखा रहेगा तो मैं पहले गिलास में पानी लेके बैठू ना। फट्टे मसाला इसमें तो, ले पकड़ो। आओ बिस्मिल्लाह। चिकन इतना गल गया ना कि मेरे हिलाते हिलाते ही टूट रहा था। माशाल्लाह, जब चटपटा बना हुआ है, चटपटा बनाई हूँ, लेकिन मैं खाऊंगा रोटी के साथ, इतना तीखा नहीं करी हूँ, क्योंकि हमारे घर में खुद इतना तीखा नहीं चलता है, ओवर लिमिट। आपको मसाले दिख रहे होंगे इसमें बाकायदा, ये देखो भाई,
लेकिन इतना तीखा नहीं करी हूँ ओवरली मिली। गजब का मसाला, आओ बिस्मिल्लाह करते हैं। और साथ में कांदा भी। नहीं तो इसमें क्या होता है मालूम, कोल्हापुरी चिकन में देगी मिर्च अलग पीसते, दो दो ढाई ढाई चम्मच लाल मिर्ची अलग से ऐड करते, और तीखी सूखी मिर्ची बघार में अलग डालते हैं, बहुत तेज कर देते हैं। मैंने एकदम लिमिट में डाली क्योंकि हमने गरम मसाला भी ऑलरेडी मसाले में पीस लिए थे ना, इसके वास्ते। ठीक है, आप लोग भी बना लेना। हाँ, अगर जिसको ज्यादा स्पाइसी पसंद है, बहुत से लोगों का है ये टेस्ट ज्यादा स्पाइसी, उन लोग एक चम्मच जो मैं मिर्ची की बताई हूँ उसके बदले में डेढ़ चम्मच मिर्ची की बुक्की या दो चम्मच मिर्ची की बुक्की ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो लाल मिर्ची मैंने पीसी हूँ वो देगी मिर्च है, जिससे कि कलर आता है, वो ज्यादा तेज नहीं होता है। समझ गए? हाँ। हेलो मैम, कैसा लग रहा है? मैं क्यों बताऊँ? तेरा तो काम है, मेरा काम है पकाना, इसका तेरा काम है ना बताऊ। कैसा पूछा आज, मैं क्यों बताऊ? देखो तो पता नहीं पड़ेगा। अभी तुमने बोले ना मैं क्यों बताऊ, तो मैं बोली ना मैं क्यों बताऊ, लेकिन इन लोगों को तो तेरे को बताना पड़ेगा ना। लगता है मुझे बताने की जरूरत है आज। एक नंबर बना है वो तो देख के समझ गए आप लोग, तो यार अपने घर पे जरूर बनाना। और फिर एक बार बोलूंगा कि इसमें बहुत सारा मसाला है, तो दाल चावल के साथ थोड़ा थोड़ा लेके खाना। अरे दाल बनाना ही क्यों है, दाल बनाना ही क्यों है जब इतना मस्त चिकन कोल्हापुरी बना है। सूखे चावल के साथ नहीं जमता ना खाने, ये रेसिपी ना चाहिए मेरे सबसे, दाल चावल के साथ थोड़ा ये मिल जाए ना, आ हा हा मजा आ जाएगा। हमारे घर में ना ये बड़ी कमजोरी है, अपन भी तो याद है वहाँ पे दाल चावल लबाबदार और चिकन कोल्हापुरी। लबाबदार नहीं, मैं बताता हूँ, लबाबदार ना हम लोग रोटी के साथ यानी कि वो नान के साथ खाते थे। हाँ। और ये ना दाल चावल के साथ खाते थे। हाँ, हम लोग तड़का दाल एक मंगाते थे, एक बच्चा भी हमारे साथ था, लेकिन हम लोग चार जन थे, जैसे हम लोग दोनों की जोड़ी थी वैसे वो लोगों की भी जोड़ी थी। हाँ ऐसा सुन रहे ना नूरजापा। तो ना हम लोग क्या करते थे, ये सब मंगाने के बाद ना लास्ट में ऑर्डर देते थे राइस का और तड़का दाल का, वो भी लेके खाते थे। तो इसके लिए ना हमारे घर में सबको दाल की आदत है, सबको, भले मैं यहाँ कितना भी अच्छा खाना क्यों नहीं बना लूं, लेकिन घर में नीचे ना दाल जरूर बनेगी। और यही एक रीजन है जो लोग पूछते हैं यार आप इतना मसाले वाला खाते हो, मोटे नहीं होते और हम खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, तो इसका ये रीजन है कि इतना मसाला बनता है, लेकिन ये पूरा हम लोग ऐसा मसाला नहीं खाते, दाल चावल खाते हैं और बहुत लिमिट में ही मसाला खाते हैं ऐसा है। और इसके साथ भाजी भी बनती है, मेरे घर में एक सालन कभी नहीं बनेगा, एक सालन और दाल चावल भी बनता है। अब ये सालन पे आते हैं कोल्हापुरी पे। तो ये कोल्हापुरी क्यों बोला जाता है आप लोग देखिए, इसके मसाले थोड़े हटके हैं और ये तीखा भी है ना, हल्का सा तीखा भी रहता है। और पत्थर फूल जो मैंने इसमें ऐड करी हूँ, जिसको मिलता है वो ऐड कर लेना, जिसको नहीं मिलता है, नाम क्या है? स्किप कर लेना। इसका दूसरा नाम क्या है? अब अंग्रेजी में मेरे को हाँ वो दगड़ फूल मराठी में बोलते हैं, पत्थर फूल हिंदी में बोलते हैं, फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो अंग्रेजी वाले मतलब जो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, मतलब अभी तो हर वीडियो में दे रहा हूँ तो आप लोग देख लेना वहाँ से मालूम पड़ जाएगा। इसमें मैंने खसखस ऐड करी हूँ, जैसा बहुत से लोग बोलते हैं हमारे यहाँ खसखस ही नहीं मिलता है, तो मेरे सारे मसाले ऐड कर लेना, खसखस को आप स्किप भी कर देंगे तो आपका सालन वैसा ही बनेगा, सालन में टेस्ट में कोई तब्दीली नहीं आएगी एक आधी चीज नहीं डालने से। ठीक है, अरे अभी चिकन में भी चर्बी आती नहीं, चर्बी नहीं आती। हाँ आती है ना चिकन में, चर्बी क्यों नहीं आती है, मोटी मोटी चिकन रहती है तो उसमें चर्बी आती है, मगर मैं चर्बी छाट देती हूँ, वो एक थोड़ी बहुत रह जाती है, कभी कभी चर्बी बहुत ज्यादा टांग टांग मांगता है ना, तो टांग में रह जाती है। तो भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, रेसिपी अच्छी लगी होगी तो कमेंट भी करना और ये को लाइक करना, जरूर फोटो भेजना। हाँ, मैं बोला रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करना, और भाई इस कोल्हापुरी चिकन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि लोग अपने घर पे बना के खा सके, है ना। चलते हैं, चलते। और मुझे जाने से पहले इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम की आईडी है स्ट्रीट फूड जायका, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो उसको ओपन करो और फॉलो करो। अब चले चलो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अपना ख्याल रखना, ध्यान रखना, बीमार नहीं पड़ना, ठंडी अभी खत्म हो रही है, ठीक है।